आपने सुना होगा कि मरकरी को एरोप्लेन में ले जाना इलीगल है। ऐसा इसलिए क्योंकि मरकरी प्लेन के एल्युमिनियम बॉडी के एक बड़े से ब्लॉक को खा जाएगी। देखिए, जो मरकरी थर्मामीटर्स में होती है वो होती है एलिमेंट्री मरकरी। इसे निगलने से क्या होगा, इसे जानने के लिए आप पिंड कमेंट में लिंक है, जाकर देखिए। और दूसरी होती है ऑर्गेनिक मरकरी, जिसका साइंटिफिक नाम है डाइमिथाइल मरकरी। ये मरकरी पानी के जैसे कलरलेस होती है। जब एक केरन नामक साइंटिस्ट इस केमिकल को हैंडल कर रही थी तो दो बूंद इसके ग्लव्स पर गिर जाती है, लेकिन ये इसे नजरअंदाज कर साफ कर देती है। इस घटना के 5 महीनों बाद केरन अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। ये चलती चलती गिर जाती थी और ठीक से बोल नहीं पाती थी, और बहुत बार अपने पैर हाथों से कंट्रोल भी खो देती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इनका दिमाग धीरे धीरे मरता जा रहा है। जब इन्होंने अपना चेकअप कराया तो इन्हें मालूम हुआ कि ऑर्गेनिक मरकरी, जो कि फैट सोल्यूबल होती है, ये शरीर के फैटी पार्ट ब्रेन में जाकर एब्जॉर्ब हो गई, और अब इसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन था। और 8 जून 1997 को कैरन की डेथ हो गई।